there's never a guarantee. हेलो भाई लोग, बेहतर हो? उम्मीद करते हैं बेहतर ही हो गए गॉड के फजल से। खैर, आज हम जो ब्लॉग लाए हैं उसमें आप लोगों को ना हम अपना सबसे प्यारा और सबसे सुंदर और सबसे मज़ेदार प्लांट से मिलवाएंगे। इसका नाम हम रखे थे लेमसी। पता है क्यों? क्योंकि ये लेमन का प्लांट है। लेमसी काफ़ी फॉरेनर नेम नहीं हो गया? खैर, दिल में जो आता है वो रख देते हैं। बहुत दिलदार दरिया दिल इंसान है हम, पता है ना आप लोगों को। नेक और शरीफ। खैर, देख सकते हैं ये पेड़ जो है कितना सुंदर, पता है क्यों है? क्या कि ना इससे ना हम खाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इसका। और लेमन में आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोगों का इल्म स्ट्रांग होगा तो, कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो ये स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसको लोग स्किन पर भी लगाते हैं, हम तो थोड़ा कम लगाते हैं, मेरी बहन काफ़ी लगाती है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो लेमन है, ये लेमन भी काफ़ी उग गया है, लेकिन अभी इसका बड़ा होना बाकी है। बड़ा हो जाएगा तो इसको तोड़ा जाए। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लेमन है, लेकिन जानते हैं इसको पानी देते हैं लेकिन ये पता नहीं क्या है, गर्मी में सूख जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी लेमन है, लेकिन जानते हैं इधर पता नहीं क्या हो गया इस लेमन को। देखिए तो कहीं इसमें कीड़ा वीड़ा नहीं ना लग गया है? मेरे हिसाब से तो कीड़ा वीड़ा लग गया है। अभी हम सोच रहे हैं इसका क्या उपाय खोजा जाए। और जानते हैं ये पेड़ हम लोग आज से नहीं लगाएंगे, 2 साल पहले से नहीं लगाएंगे, 4 साल पहले से नहीं लगाएंगे। ये गमला जब से खरीदा था ना, किस गमला का बात कर रहे हैं? इस गमला का बात कर रहे हैं। ये गमला जब से खरीदा था उस वक्त से हम लोग इस पेड़ को रखे हुए हैं, मतलब 7 से 8 साल से हम लोग इस पेड़ को रखे हुए हैं, पता है? और 7 से 8 साल में इतना ही बड़ा होगा। हालांकि इस पेड़ में कांटा बहुत है, पहले हमको थोड़ा सा पता नहीं था कि भाई पेड़ नींबू के पेड़ में कांटा होता था, वो कांटा गड़ जाता था। देख सकते हैं यहाँ पे कांटा गिर, दिख रहा है आपको कितना बड़ा बड़ा कांटा है? गड़ जाता था, बहुत दुखता है। खैर, जो भी हो, ज़िंदगी भी तो ऐसा ही है। ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोगों से हम लोग को बच के रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहिए। खैर, यही है ज़िंदगी। क्या जैसे पेड़ में अच्छे कांटे होते हैं वैसे ही ज़िंदगी में भी अच्छे लोग अच्छे सॉरी पेड़ में अच्छे फल होते हैं, तो वैसे ही ज़िंदगी में भी अच्छे लोग होते हैं, पेड़ में कांटे होते हैं, इस तरह ज़िंदगी में बुरे लोग होते हैं। आप फिलोसफिकल बात कर दिए हम। खैर, जो भी हो, तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग आपको इस लेमसी से अपने फेवरेट प्लांट्स मिलवाएं, तो अब हम लोग अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपने आपका ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। थैंक्स, लव यू।